greetings and welcome to me and Taro. Aaj 3 April and we are going to read the reading. Suraj pe koi aapke bare mein kya soch raha hai? Theek hai, ye hai wo topic and we got three episodes over here. Pehla ye Taro, second is the Oracle, Fairy Tale Oracle, okay, and teesra hai the Life Navigator. Do Oracle maine special aaj chune hain ki bhai this is Sunday and more importantly, you know ki Fairy Tale kahin na kahin guidance kar sakta hai and Life Navigator se life ke kuch रूल्स कुछ फंडे हैं तो वो क्या है वो आज हम जान सकते हैं ठीक है तो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट एंड देन वी विल लुक एट द ओरेकल लेटर ऑन चलो कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग हियर वी गो सुबह सुबह की एनर्जी एंड कोई क्या सोचा के बारे में 3 अप्रैल दैट्स इट फैंटास्टिक गो ऑन देखते हैं कोई कार्ड आ रहा है या फिर हमें खुद शफलिंग करके कार्ड चुनना होगा ओके चलो अरे हमें कुछ खुद कार्ड चुनने होंगे ठीक है दो तीन बार और शफल करते हैं एंड हियर वी गो वाओ ये सारे कार्ड आ गए हाँ तो चलो मैं वो कार्ड्स ले लेता हूँ तो ये आ गए हैं टोटल 4 कार्ड्स और लेते हैं 1-2 कार्ड देखते हैं कोई कार्ड आता है क्या एक्स्ट्रा ठीक चलो ये कार्ड्स भी आ चुके हैं सो वी गॉट दिस वन तो अब इन कार्ड के साथ करते हैं रीडिंग ठीक है देखते हैं क्या है कार्ड्स ये है वो पहला कार्ड जो कि है 9 ऑफ कॉइंस वाओ विश कार्ड आ गया यहाँ पे ठीक है कब के बाद इसको ये बोलते हैं विशिंग एंड दैट्स ऑल अबाउट इट टॉरस वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न पेंटाकल की शुरुआत यानी कि अर्थ साइन एंड क्या है यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं किसी किस्मत कंप्लीट होने को आ रही है यू नो 10 ऑफ कॉइंस इज लाइक कंप्लीशन तो उसके पहले का ये कार्ड है कहीं ना कहीं यू नो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है मे बी ये पर्सन आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहना चाहता है इफ यू आर टुगेदर विद द पर्सन वॉन्ट टू किस यू या फिर कोई इमेज भेजना चाहता है या फिर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी देना चाहता है ठीक है अगर आप कहीं हाइकिंग पे ट्रेकिंग पे गए हैं आपको प्रपोज भी कर सकता है बहुत ही अच्छी सुबह की एनर्जी तो पर्सन इज जस्ट लाइक मतलब जो होता है ना कि भाई काश कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जिंदगी में हो जिसको देख के मेरा जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाए तो वो जो एक चाह होती थी वो यहाँ पे कंप्लीट होने को दिख रही है आई थिंक द पर्सन इज वेरी मच हैप्पी टू हैव यू इन देयर लाइफ और आपको भी शायद बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है बस बात अभी ये है कि कौन पर्सन कितना टाइम लगाएगा ठीक है मतलब कि कोई कोई किसी को लगता है कि भाई आफ्टर गेटिंग सेटल यू नो कि भाई इतनी अमाउंट होगी हर महीने की या फिर मेरी इतनी सेविंग होगी मेरा खुद का एक फ्लैट होगा तब मैं सोचूंगा अबाउट गेटिंग सेटल अबाउट गेटिंग मैरिड ठीक है तो उस हिसाब से ये पर्सन शायद प्लानिंग कर रहा है लेकिन तब तक ही इज़ ट्राइंग टू कंटिन्यू विद समबडी ठीक है तो आपसे मिलना आपसे बातें करना आपको और जानना ऐसी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त भी है ओके जिसको आप बहुत अच्छा दोस्त मानते हो वो भी शायद आपके साथ यू नो बहुत अच्छा फील कर रहा है मे बी वो बहुत हैप्पी फील कर रहा है कि आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम ठीक है तो जिसको एक फ्रेंडली एनर्जी चाहिए वो भी यहाँ पे मिल रही है जिसको एक लवर की एनर्जी चाहिए वो भी यहाँ पे मिल रही है तो ये आपके हिसाब से है कि आप ये किसके साथ जोड़ना चाहते हो ठीक है इफ दिस कार्ड रेजोनेट्स विद यू क्योंकि बहुत ही कमाल का कार्ड है कमाल की एनर्जी यहाँ पे कि पावर आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है यू नो मतलब दो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को एंड ये नहीं कि किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है अगर आप फ्रेंडली हैं तो फ्रेंडलीनेस बहुत सारा है अगर प्यार है तो हाँ प्यार बहुत सारा है तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप दोनों क्या सोचते हो ठीक है नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द मैजिशियन वाओ सेकंड कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना स्पिरिचुअल ड्रीम मैजिशियन का मतलब क्या कि भाई ये पर्सन चाहता है कि सच में आपकी कोई ना कोई विश जरूर पूरी हो जाए क्या हाल ही में ऐसा हुआ है विद इन 2 वीक्स मैक्सिमम 2 मंथ्स लेकिन 2 हफ्ते ही ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपने बस सोची थी सपने में किसी को बताई नहीं थी वो कंप्लीट हो गई हो ठीक है शायद वो बड़ी हो एंड शायद किसी और के बारे में हुई हो सकती है लेकिन वो कंप्लीट हो गई हो तो ये कार्ड उसके बारे में है मे बी आपने जो विश किया था वो हो चुका है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपको गाइडेंस कर रही है और कहीं ना कहीं आपकी बातें सुन रही हैं ठीक है तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया है जो नंबर्स यहाँ पे रिजल्ट होते हैं 2, 4, 5, 7 और 6 ठीक है 7 के बाद मैंने 6 कहा तो आई थिंक जो इंटिश्यू पर्सन है वो शायद समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है ठीक है मैजिशियन का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि द पर्सन इज टेलिंग यू कि भाई कहीं ना कहीं उसकी भी विशेज कंप्लीट हो रही है आपको देख के एंड आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बाहर आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून जो है उनका वो टर्न हो रहा है यू नो तो और अच्छा मोमेंटम उनको मिल रहा है तो ये पर्सन चाहेगा कि आप उनकी ज़िंदगी में बने रहें ठीक है नेक्स्ट कार्ड है जो कि हर्मिट वर्गो का कार्ड कि भाई सही दिशा में जाना ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अगर कोई वो प्लान बना रहे हैं तो आपसे वो ज़रूर पूछेंगे कि आपकी प्लानिंग क्या है अगर अभी तक प्लान बना नहीं है
तो आपको पूछ सकते हैं एंड बोथ ऑफ यू कैन डिसाइड अ फैंटास्टिक प्लान फॉर इच अदर फॉर टुडे और कमिंग डे। ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो है बहुत ही बेहतरीन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की। भाई जो एक फेज था कि यू नो कि बहुत सारी मेहनत की है या फिर कंटाला आ गया है तो वो चला गया है, अब जो है वो एंजॉयमेंट का पीरियड है। ठीक है, तो ये पर्सन इज लाइक टेलिंग यू कि भाई आपने अगर हार्डशिप अपनी जिंदगी में महसूस की है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार था या फिर फैमिली में बहुत प्रेशर था आपके ऊपर और आपने वो सब कंप्लीट कर दिया, काम का प्रेशर था वो भी कंप्लीट कर दिया, तो अब मोमेंट आ गया है कि जहाँ पे आप थोड़ा एंजॉय कर सको। ओके, अगर आप एनजीओ में काम कर रहे हो या फिर कहीं पे काम कर रहे हो और आपको रिलैक्सिंग की जरूरत है तो ये कार्ड आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, थर्ड कार्ड एंड दैट्स ऑल अबाउट व्हाट। देखो ये इसके बारे में कि ये पर्सन आपको शिद्दत से चाहता है। ओके, मतलब मोरल वैल्यूज काफ़ी बूस्ट है यहाँ पे एंड जो आप चाहते हो इससे ये बिल्कुल वही आपको देना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर भी थोपना या फिर दूसरे को मनमर्जी करने से रोकना ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन आपको इसलिए पसंद करता है कि आपकी खुद की एक अनुभूति है, आप अपना खुद का ओपिनियन रखते हो और इस पर्सन को ये काफ़ी बढ़िया लगता है कि आई एम कनेक्टेड विद समबडी जो कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। राइट, तो ये बात एक्चुअली हर एक में नहीं होती। कुछ लोग आपने देखा होगा कि दूसरों के पीछे भागते हैं, किसी ने ये किया तो वो भी वो करते हैं। ये बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि जो पर्सन एक्चुअली किसी में यूनिकनेस देखता है कि आपका टैलेंट क्या है तो उसमें वो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आपकी वो चीज़ देख रहा है, उसको काफ़ी अच्छी लग रही है। स्ट्रेंथ यानी कि लियो का कार्ड, स्ट्रेंथ यहाँ पे है एंड मिल रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन को अपनी फैमिली को कन्विंस करना है थोड़ा समय लग सकता है, 2 दिन 2 हफ्ते से लेके 2-4 महीने भी लग सकते हैं। सो जस्ट गिव देम सम मोर टाइम अगर आपसे समय मांग रहे हैं तो। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, दिस इज अबाउट इट कि किसी ना किसी के बीच शायद इंटीमेट मोमेंट्स हो चुके हैं या फिर आ रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो स्पेंड सम लीजर टाइम टुगेदर आप स्पेंड कर सकते हो। मोर इम्पॉर्टेंटली आप दोनों को भी ये जो एक रिलेशनशिप का लेवल है वो काफ़ी पसंद है। ठीक है, अब चाहे ये लिव इन का हो, चाहे ये कनेक्टिंग टू इच अदर हो या फिर बस फ्रेंडलीनेस हो, यू जस्ट लाइक इच अदर। ठीक है, यही यहाँ पे मैसेज आ रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कहीं ना कहीं ये एक काइंड ऑफ स्वीट रिवेंज भी हो सकता है। स्वीट रिवेंज का मतलब यहाँ पे जो आ रहा है मैं बताता हूँ आपको, किसी ना किसी ने अगर जिंदगी में कभी धोखा खाया है कि भाई किसी को सच्चा प्यार कर वो पर्सन चला गया फिर कुछ अलग ही हो गया, तो अब आप उसके बारे में फिक्र नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट अब आप मन मर्जी कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आपको किसी को पछतावा हो कि मैंने मनमर्जी की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी जो आप मनमर्जी कर रहे हो उसी के साथ आप इमोशनली अटैच हो सकते हो। हालांकि शायद किसी की ऐसी कोशिश है, शायद आपकी या उनकी भी हो सकती है कि डिटैच रहें, कि बस बात कर रहे हैं लेकिन डिटैच, मतलब शुरुआत से ही शायद किसी ने कहा होगा कि हम डिटैच रहेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कमिटमेंट आ सकती है और फिर ये बहुत ही ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। ठीक है, टू कार्ड्स ओवर हियर, पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ कॉइंस एंड सेकंड कार्ड इज टेन ऑफ वांड्स, तो दोनों ही खूबसूरत कार्ड है। इसका जो मतलब है कि ये पर्सन एक्चुअली फील कर रहा है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कोई बस खूबसूरत है या फिर किसी का दिल कह रहा है कि आई लव यू इन लाइक दिस, नहीं, ये उससे भी ज़्यादा है कि अब दोनों ही समझदार हो, दोनों ही अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हो एंड दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की। ठीक है, दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो कि हर किसी का पास होता है आपको पता है, और आप ना तो उनके पास में इंटरफेयर कर रहे हो ना ही ये आपके पास में इंटरफेयर कर रहे हो, ना ही है कि भाई डोंट चेक माई फोन लगे, इनफैक्ट आप दोनों शायद फोन भी नहीं चेक कर रहे हो या फिर पूछ नहीं रहे हो कि किसी का फोन था, सो यू आर लाइक बिलीविंग ऑन ईच अदर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। एंड टेन ऑफ वांड्स की जो ये एनर्जी आ गई कि भाई दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं, मतलब ये कि एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, कि क्योंकि देखो हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो रहती है। ओके, एंड वो कमी अगर आप बिना चश्मे को भी देखो तो भी दिखेगी, तो बात यहाँ पे वो नहीं, बात यह है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो मीनिंग बस यहीं पे आ रहा है कि एक्सेप्टिंग ईच अदर प्रोज एंड कॉन्स, जैसे कि किसी ने फ़ोन खरीद लिया, भाई इस फोन में हीट ज़्यादा हो रही है या फिर गेम ज़्यादा फ्रेम में नहीं खेल सकता, तो हो गया, ठीक है, ये कौन है, लेकिन एक्सेप्टिंग द फोन एज इट इज़, वो बात यहाँ पे आ रही है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी सही तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दी टैरो, और अब देखते हैं ओरेकल से क्या रीडिंग आती है। 10 मिनट हो गए ऑलमोस्ट टैरो से रीडिंग करते हुए, ठीक है, देखते हैं ओरेकल में क्या रीडिंग मिलती है।
सुबह सुबह की एनर्जी, दो कार्ड तो आ गए, देखते हैं अब क्या चल रहा है एंड व्हाट द पर्सनैलिटी अबाउट यू मोर। जनरल रीडिंग है, ठीक है, तीन ही कार्ड आ गए और देखते हैं एक और कार्ड आता है क्या। ठीक है, एक बार और शफल करते हैं। चलो आ गया कार्ड, तो देखते हैं अभी यहाँ पे कौन सी एनर्जी है एंड ही वी गो। ठीक है, ओके, तो चलो ये आ गया कार्ड एंड दीज आर द कार्ड्स। ये मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, चलो तो ये पहला कार्ड जो कि कॉन्सेंसस, ठीक है, ये पहला कार्ड आ गया है। दिस पर्सन इज रिलाइंग ऑन यू, ठीक है, एंड ये ऐसी बात है कि शायद उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे हम दोनों के लिए, ठीक है, लेकिन कोई फ्रेंड भी इंटरफेयर कर रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं भी आऊँगा। इफ बोथ ऑफ यू आर कपल देन द फ्रेंड इज सेइंग आई एम ऑल्सो कपल सो आई एम इन्वाइटिंग माई फियांसे या फिर माई फियांसी इन लाइकवाइज। तो ऐसे कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो आपकी जो प्लानिंग है कि सिर्फ दो लोग कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, वो शायद प्लानिंग जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, फिर जो बजट है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, सेकंड कार्ड है सेलिब्रेशन, सो दैट्स अनदर वंडरफुल पॉइंट कि कहीं ना कहीं अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हो कि रिलेशनशिप को इतने मोमेंट्स हो गए या फिर इतने साल हो गए या फिर आई एम प्रीटी हैप्पी यू नो कि भाई मुझे अच्छा दोस्त मिला, तो वो भी एक मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। लाइट हार्टेडनेस कि भाई जिंदगी में खफा नहीं होना है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों नहीं हुआ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, जो हो रहा है ठीक है, मैं अभी इस मोमेंट में हूँ, मुझे अब जीना है दिल खोल के, राइट। तो वो बात यहाँ पे आ रही है कि ज़्यादा दिल पे कोई चीज़ नहीं लेनी है, वरना कुछ लोग लेते यार फिर डिप्रेशन एंग्जाइटी इश्यूज आते, तो ये यहाँ पे नहीं। आई थिंक कहीं ना कहीं आपने इनको हेल्प की है और इन्होंने भी आपको हेल्प की है, दोनों ने एक दूसरे को यू नो नेगेटिविटी से बाहर निकलने में काफ़ी हद तक हेल्प की है। थिंग्स मूविंग क्विकली, मतलब अभी आपको और दोनों को हो सकता है शायद कि समय का पता नहीं चलता, यू नो काम में मन लगता है, दिलो दिमाग सही तरीके से काम करता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती एंड बोथ ऑफ योर बिलीव होने चाहते हो, जैसे ही मिलते हो तो पता नहीं चलता कि भाई 3 बजे मिलते, 7 बजे अभी, यू नो हाउ द टाइम फ्लाई अवे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है रिकंसिलेशन, तो कहीं ना कहीं किसी के जिंदगी में कोई ऐसा मकाम भी आ सकता है कि यू आर गोइंग टू अटैच विद समबडी, ठीक है, मतलब कोई आपका पुराना दोस्त आपसे मिलने आ सकता है या फिर यू नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी की जिसका आपने इतना इंतजार किया, ठीक, हालांकि बहुत कम है लेकिन 2% चांसेस है, लेकिन वो पर्सन भी आपसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं कहीं से आ सकता है। देन यू गॉट रिकनेक्शन एंड एंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, ये दो कार्ड आ गए हैं। रिकनेक्शन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप किसी से रिकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी किसी के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, मतलब जिसने अभी आपको सपोर्ट किया है एंड ये जानते हुए कि यू हैव इन्वॉल्व विद समबडी या फिर आपको इतने सारी प्रॉब्लम्स है, यू हैव गॉन थ्रू हार्डशिप्स, डिप्रेशन, मैनिया, यू नो एंग्जाइटी, तो उसमें अगर इस पर्सन ने आपकी हेल्प की है तो कहीं ना कहीं जो पर्सन अभी कम बैक कर रहा है जिसने आपका साथ नहीं निभाया था, उसके साथ एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, सुनने में अजीब लग सकता है, व्हाई वुड यू डू दैट, देखो कोई पर्सन जब आपको अकेले छोड़ता है ना और आप जब अकेले फेस करते हो, तब इमेजिन करो कि कौन आपका सच्चा साथी है, उस वक्त जो आपको हेल्प करता है वही आपका सच्चा प्रेमी बन सकता है। ठीक है, एंड जो फिनाले कार्ड आ गया है वो है लाइफ नेविगेटर। ओके, देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग आती है। चलो कुछ कार्ड आते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया और देखते हैं एक कार्ड आ रहा है या फिर हम ओके चलो आ गए, तो दो कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है रीडिंग। ठीक है, पहला जो कार्ड है ट्री इन द विंटर, एज यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत कार्ड, ट्री इन द विंटर में लुक डेड बट यू नो इट विल ब्लूम एंड ग्रो अगेन इन स्प्रिंग, ऑल लाइफ रिफ्लेक्ट्स दिस मिरेकुलस थिंग। ठीक है, क्या इसका मतलब, बी पेशेंट, ट्रस्ट एंड लव, मतलब कि भाई धीरज ना खोए। ठीक है, आपको जिस पर्सन की तलाश है वो जल्द ही आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। किसी को अगर लग रहा है ना कि मैं अभी कभी किसी को प्यार नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, ये क्यों बोल रहे हो कोई कि किसी को लग रहा है कि उसने अपना प्यार खो दिया या फिर जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था उस पर्सन ने बिट्रे किया, नहीं, आपको लग रहा है कि आपका दिल डेड है, डेड नहीं है, जैसे कि पेड़ है कि अभी तो ऐसा लग रहा है और बाद में ऐसा हो जाएगा, तो सही पर्सन का वेट कीजिए, वापस से आपकी ज़िंदगी झूम उठेगी। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइटिंग द डार्कनेस, द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात है। आई थिंक इस पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी रोशनी हुई है और आपके आने से भी इस पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी रोशनी हुई है। ठीक है, शायद दोनों में से जो पर्सन ज़्यादा बात नहीं करता था, अब वो दिल खोल के बात कर रहा है, घूमता है, उसको देख के लोग भी कहते हैं कि वाह भाई कितना मस्त व्यक्ति है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। आई थिंक इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे को थैंक यू कहने की ज़रूरत है कि बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई है, यू बोथ ऑफ यू कैन ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है, कि फाइनली ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके ऊपर आप दोनों डायरेक्टली ट्रस्ट कर सकते हो। रीडिंग आप इट रेजोनेट, थैंक यू।